अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी सोई हुई शक्ल के साथ आपको दिल से वेलकम। जाहिर बात है सुबह के 10 बजे आपको घर वालों ने ब्लैकमेलिंग करके उठाया हो कि उठ जाओ वरना अभी भी तुम 5 मिनट में रेडी हो के नीचे नहीं आओगी तो हम तुम्हें मार्केट नहीं लेके जाएंगे अब कभी भी और तुम्हारी ईद की शॉपिंग सारी रह जाएगी। तो ना चाहते हुए भी मुझे 5 मिनट से भी कम टाइम में रेडी होकर नीचे इनके साथ आना पड़ा और मेरा मूड इतना ऑफ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ आयशा को थोड़ी देर बैंक में काम था, ये मुझे बोल रही थी कि चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मेरा भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम जाओ करके जल्दी से बाहर आओ। तो यहाँ मैं अपने मूड को सेट कर रही हूँ और आयशा के आने का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जैसे ही आए तो फिर हम लोग चलें। यस और यहाँ हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क करके सोचा कि वॉकिंग करते हुए पूरी मार्केट को विजिट कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो सही बात है, ठीक है। और यहाँ पहला स्टॉप था हमारा जी क्रॉस स्टिच। यहाँ मुझे अब याद नहीं कितने परसेंट ऑफ लगी थी पर इनके डिज़ाइन अच्छे हैं। यहाँ मैं अभी अपने लिए ये वाला ये जो पिंक कलर का ड्रेस है देख ही रही थी और सोच रही हूँ कि ले लूँ और क्या करूँ क्या ना करूँ, बट यहाँ मैं वीडियो बना ही रही थी तो ये भाई साहब आ गया और मैम वीडियो इज़ नॉट अलाउड और यहाँ मेरी हो गई बेइज्जती जी। यहाँ हम उसके बाद आगे जी बुनेंजा पे, आप देख सकते हैं ह्यूज वैरायटी है पर ट्रस्ट मी मुझे इनके कपड़े इतने अच्छे नहीं लगे जो इन्होंने लेडीज़ के लिए रखे हैं मैं। यस और यहाँ भी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे लगा ये वाले भाई साहब भी आके मुझे कहेंगे कि मैम यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट शुक्र है थोड़ी सी इज्जत रह गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ अच्छा लग जाए कुछ समझ आ जाए बट नहीं समझ नहीं आई। यहाँ हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में चले गए जहाँ पे मेल की चीज़ें होती हैं। यहाँ से अब्बा जी के कपड़े लेने थे, नबील भाई के लेने थे, अंकल के लिए लेने थे तो मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आती, मुझसे अपनी शॉपिंग नहीं होती तो मैं दूसरों की क्या करवाऊँगी। तो फिर अम्मी और आयशा ने जो फाइनल करना था करके उसके बाद हम लोग गए थे बीच ट्री पे। और अब हम आगे बीच ट्री पे। यहाँ मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पे ये देखें, अभी मैं आपको बताती हूँ। आप अब देख लें आपको अब अभी आप सोचेंगे कि हाँ सोच रहे होंगे कि मेरी पिलर के साथ टक्कर हो गई थी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खैर यहाँ मुझे अम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी और उन्होंने मुझे बोला था छोड़ दो इसको और ले लो कुछ। फिर मैंने अपना मोबाइल बंद करके तो फिर यहाँ से कुछ एक आधा पीस पसंद आ गया था। फिर यहाँ से हम लोगों ने अपनी गाड़ी को निकाल के तो हम ले गए थे क्रिज्मा पे। तो क्रिज्मा पे भी बड़ी बुरी हुई हमारे साथ, क्या हुआ जी हम लोग गए यहाँ इनकी लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और यहाँ हम लोग अभी लिफ्ट में बैठे हैं तो क्या हुआ जी इनकी लाइट बंद होगी और लिफ्ट बंद होगी और इतना लिफ्ट में अंधेरा हो गया तो मुझे तो इतना वो पता नहीं क्या हुआ, मैंने अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया और लिफ्ट को मतलब बहुत ज़्यादा मुझे खौफ आया। मैंने कहा पता नहीं अब इनको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन थैंक गॉड 2 मिनट या 3 सेकंड के बाद लिफ्ट चल गई थी और हम लोग बाहर निकले। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि मुझे 5 मिनट वहाँ बैठ के अपने आप को सेट करने में लग गए कि यार क्या हुआ क्या है। और वो जो उनके शॉप वाले थे वो बाद में हंस रहे थे और मुझे भी बड़ी हंसी आ रही, जैसे मैंने अंदर से शोर मचाया था खोलो खोलो, मुझे लगा इनको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग अंदर हैं और या नहीं। तो यहाँ मेरी व्लॉग की जो मैंने शुरुआत की थी वो यहाँ से की थी जी बिल्कुल आइडियाज़ से। तो यहाँ हम लोगों ने आइडिया से 2 शर्ट्स मैंने पसंद की थी लॉन की घर में पहनने के लिए नॉर्मल, तो मैंने ले ली थी। घर वाले कह रहे थे ले लो, मैंने कहा भाई इतनी इज्जत मिली है चलो कुछ ले ही लेते हैं। तो खैर मैंने ले ली थी। काफ़ी टाइम लगाने के बाद मुझे कि जल्दी फैसला कर लो ये कर लो वो कर लो, तो खैर मैंने यहाँ से 2 अपनी शर्ट्स लॉन की के घर पहनने के लिए ले लेते हैं, अच्छे थे डिज़ाइन, पता नहीं यहाँ पर भी कुछ ऑफ लगा हुआ था। जी तो
अब हम लोग आगे इंस्पायर पे। अच्छा मुझे सबकी एक चीज बहुत अच्छी लगी, सब शॉप वालों की, ब्रांड वालों की, कि इन्होंने सब ने इस बारी SOPs को इतने अच्छे से फॉलो किया हुआ था कि शॉप पे ज्यादा लोगों को एंटर ही नहीं करने दे रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। और सफायर वालों की तो एक प्लस पॉइंट ये था कि इन्होंने बाहर सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था कि थोड़ी देर बैठ के वेट कर ले, 2% बाहर निकलते थे तो 2% को ही वो अंदर एंटर कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, एहतियात करें। अब मुझे लगता है कि एहतियात ही इस बीमारी का इलाज है, और तो बस अल्लाह ही हाफिज है। तो जी हम लोग सफायर पे आ गए, मैं थोड़ा लेट आई थी, अम्मी और आयशा पहले चले गए थे, तो ट्रस्ट मी मुझे इनके आर्टिकल्स इस बारी के बहुत अच्छे लगे हैं। और वाई ब्लॉक वाली ब्रांच में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब शूज, हील, चप्पल, क्लच, बैग, स्टिच, अनस्टिच, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। एच ब्लॉक, हम लोगों को वहाँ थोड़ा सा काम है, ग्रॉसरी लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। अच्छा इन सारी चीज़ों में मैंने एक चीज़ बहुत अरसा पहले भी नोट की थी, तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों के साथ शेयर कर दें। देखें जब आप लोग कहीं गाड़ी को पार्क करते हैं ना, तो एक बंदा स्लिप देता है और स्लिप के 40 या 50 रुपीज़ हमसे चार्ज करते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है गाड़ियों वाले उस 40 और 50 रुपीज़ के पीछे इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं ना कि बस पूछे ही ना। तो प्लीज़ इस तरह की कोई हरकत ना किया करें, वो भी शदीद गर्मी में खड़े होकर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, और आप लोगों के लिए और हमारी सेफ्टी के लिए वो कर रहे होते हैं, इस चीज़ को समझें। अच्छा अब हम लोग आ गए हैं वापस अपने घर, और ये जो आपने वाइट कलर की गाड़ियाँ खड़ी देखी ना, इनके साथ हमारी गाड़ी का पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। हम लोगों को तीनों को तो लगा था कि वो ऑटो वाला नहीं बचा, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सब कुछ बचा लिया अल्लाह ने। ऑन कर लेते हैं, ओके इसको भी उतार देते हैं। ये देखें लिपस्टिक जब लगा लो ना, तो ये देखें मुँह पे। ओके जी मैं नहा चुकी हूँ, और ये देखें पर बहुत ज़्यादा गर्मी और हवा चल रही है, और मैं कपड़े आयरन नहीं करती, मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ गर्मियों में, क्योंकि या अब है जी थोड़ा सा परफ्यूम टाइम, मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा है, लाइट सी है इसकी, तो ज़रूरी भी है गर्मियों में आपको लगाना चाहिए, कोई भी लगा लें, लेकिन डिओड्रेंट और इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हाँ जी तो अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, इसीलिए घर आते साल ही मैंने कहा कि सारे काम छोड़ दें, पहले मुझे आप शावर लेने दें, ठंडे पानी से मैं नहाऊंगी तो मेरा थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, क्योंकि इतनी गर्मी चढ़ गई थी मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हवा चल रही है, हवा के साथ इतनी मट्टी है कि पूरा घर फिर से गंदा हो गया, इतनी मुश्किल से कल सफाई कर पाई थी। और लेकिन गर्मी तो गर्मी अपना ज़ोर दिखाती है और बताती है कि भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ। और आज वैसे भी हमारा प्लान था कि हम पैकेजेस मॉल चलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाना था, मैंने कहा नहीं पैकेजेस मॉल छोड़ें, आप ऐसे करें कि वाई ब्लॉक से ही ले लेते हैं जो भी लेना है, पैकेजेस मॉल दूर हो जाएगा, और वैसे भी नॉर्मल डेज़ में पैकेजेस मॉल चले जाओ तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बस पूछे ही ना। तो रोज़े के साथ तो चले जाते तो फिर एक आधे ने बेहोश हो जाना था, एक आधे का तो मुझे नहीं पता, मैंने ज़रूर हो जाना था, क्योंकि जब मुझे रोज़ा लगता है ना तो मेरी तो बस हालत गैर हो जाती है। और अभी भी वाई ब्लॉक मेरे काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं और आयशा रह गए, बाकी हम लोगों के घर में जो मेंबर हैं उनकी शॉपिंग हो चुकी हुई है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या लेना और क्या नहीं लेना, चार दफ़ा घूम के आ चुके हैं, चार दफ़ा जाते हैं इधर उधर चीज़ें लेके आ जाते हैं, और मैं वैसे ही आ जाती हूँ, लेकिन आज मैं ड्रेस देखा ही हूँ, एक मैंने ऑनलाइन देखा हुआ, तो देखते हैं दोनों में से कौन सा फ़ाइनल करती हूँ, फिर बस हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक दो मार्केट के चक्कर लगेंगे, और फिर नहीं। और वैसे भी एक तो कोरोना की वजह से इन्होंने 6 बजे जो मार्केट बंद कर देते हैं ना, वो बड़ा मसला है, रोज़े के बाद भी अगर खुली रहती तो शॉपिंग आराम से हो जाती, लेकिन ठीक है एहतियात करें, ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया की क्या हालत हुई हुई है, ख़ुद भी एहतियात करें तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है, पहले भी अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। और मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा, और बस और क्या कहना चाहते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस में करती हूँ मुझे पता है, बस वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरा चैनल, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, एक बटन क्लिक करना होता है, और बस पता नहीं लोगों को कह कह के थक जाओ, करते ही नहीं है,
और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और एहतियात करें, बिला वजह घर से बाहर मत निकलें। बस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें साथ साथ। यस।